तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, या फिर केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो जो पढ़ना कौशल है उसका मुख्य जो बात है, मुख्य जो कौशल वो यही तो है कि जो आप पढ़ते हो उसका अर्थ ग्रहण कर पाओ संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है, सीटेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है। जीवन को क्या कहा? जिंदगी कहा। ठीक है, मतलब उसको जीवन का मतलब समझ में आया तो उसने उसके लिए नया शब्द प्रयोग कर लिया, यानी संदर्भ को समझ गई। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो वो अक्षर पहचान के बजाय अर्थ समझ रही है, तो उसने जीवन और जिंदगी में कुछ ज़्यादा अंतर समझा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कहानी कथन मतलब टीचर जो है बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा तर्क जो है उचित नहीं दर्शाता इस बात को, कहानी कहने को? तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ इंगित करता है। दूसरा है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो ये कह रहा है कि कहानी कथन उचित नहीं है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका मतलब यही गलत है, क्योंकि कहानी कथन तो अच्छा है। ठीक है, भाषा की कक्षा में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से क्या फ़ायदा होगा? तो पहला ऑप्शन है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे ज़्यादा गलती ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है? समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, दूसरा है, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। ठीक है, और भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो उद्देश्य है गद्य पाठों का। ठीक है, कहानी सुनाने वाला यानी जो स्टोरी वाले होते हैं। तीसरा है, भाषा संरचना की समझ भी बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का भी परिचय मिलता है। तो जो ऑप्शन इसका सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी यही हमारा आंसर है, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना उद्देश्य नहीं है गद्य पाठों का, संपूर्ण विधाओं का। ठीक है, कैसे दे देंगे संपूर्ण का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ग्रहात्मक का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम सुनते हैं एक तो, ठीक है, और पढ़ते हैं, तो इससे हम ग्रहण करते हैं, ये है ना, तो सुनना और पढ़ना ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हो सकती हैं? सुनना और बोलना कौशल को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छे से सुने, समझ के सुने और बोलना सीख जाएं, तो इस कौशल के विकास के लिए कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, या तीसरा भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार या वाचन, या भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ठीक है, तो भूमिका निर्वाह और बातचीत करना इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सुनने के लिए, ठीक है, और बोलने के लिए, ठीक है, अगर बच्चे को रोल प्ले करवाओगे, जिसे हम भूमिका निर्वाह कहते हैं, कि जैसे कोई पार्ट दे रखा है उसमें 3-4 करेक्टर हैं, ठीक है, लोग हैं, जैसे राजा है, उसका मंत्री है, ठीक है, प्रजा है, तो हम 4 लोगों को खड़ा कर देते हैं कि भाई तुम राजा हो, मंत्री हो, तो राजा की बातें तुम बोलो, कह के ऐसे एक्टिंग करके। ठीक है, तो भूमिका निर्वाह करना और बातचीत करना, बातचीत करने से सुनना और बोलना दोनों बेहतर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? शब्द भंडार विकसित किया जाता है। ठीक है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। ठीक, तो मन में पढ़ते हैं, लेकिन बुदबुदाता यानी बुदबुदाने का मतलब तो एक तरह से धीमी आवाज़ में बोलना ही होगा, तो ये भी नहीं है। तीसरा है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। तो मौन पठन का जो मुख्य बात यही है कि एक तो बिल्कुल आवाज़ नहीं की जाती, मन में पढ़ा जाता है, आवाज़ नहीं आती है, बुदबुदाया भी नहीं जाता है, और दूसरा इसका मुख्य मकसद जो होता है कि हम किसी बात को समझना चाह रहे हैं, लिखी हुई बात को। ठीक है, मुख्य उद्देश्य बोलना नहीं है, ठीक है, वहाँ पे समझना है, तो वो हम बिना बोले हम, ठीक है, उसको पढ़ते हैं मन मन में और उसको समझते हैं, तो आत्मसात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक से सवाल पूछें, यह है। या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, या शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। ठीक है, तो एकांकी पढ़ाने का, एकांकी का मतलब एक तरह से यही है कि कहानी टाइप है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाएं, जिसे हम रोल प्ले कह रहे हैं। अभी हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन करता था, रोल प्ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है भाषा की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो विशेष क्षमता यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों की कक्षा में अगर लेखन कौशल का हम अभ्यास करवाना चाह रहे हैं, तो हम उन बच्चों के अंदर से क्या चीज़ देखना चाहेंगे जो अलग होगी और बच्चों से बेहतर होगी? तो वो होगी उनके विचारों की मौलिकता, कि अगर हम बच्चे का किसी पर निबंध दिया, ठीक है, तो वो कितना अपने अपने मौलिक मौलिकता बनाए रखता है, यानी रटी रटाई चीज़ों को नहीं लिखता, अपने शब्दों को बेहतर तरीके से बयान करता है, अपने विचारों को। तो ये विचारों की मौलिकता जो है वो विशेष क्षमता वाले बच्चों के अंदर बेहतर होती है, तो यही हम देखना चाहते हैं उनके अंदर। ऑप्शन नंबर वन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो भाषा के आधारभूत कौशल जो भी हैं, ठीक है, क्या वो क्रम में सीखे जाते हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं, या अंतः संबंधित हैं, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित नहीं होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टू है, अंतः संबंधित है। यानी आधारभूत कौशल कौन से हैं? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये आधारभूत कौशल है। इंग्लिश में LSRW कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, तो ये अंतः संबंधित है, बिहार टेट में अप्रैल 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मौन पठन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं मौन पठन की। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो सतही ढंग से पाठ खत्म कर देना, यानी ऊपर ऊपर पढ़ के गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो मुख्य उद्देश्य जो है वो पढ़ना सिखाना नहीं है कि बोल के या बिना बोल के, तो मौन पठन का मुख्य मकसद ये होता है। जैसे अगर आपके पास कुछ डायरी या न्यूज़पेपर है, आप मौन पठन कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसको संदर्भ सहित पढ़ रहे हो, उसके मीनिंग पर जा रहे हो। ठीक है, भाषा कैसी लिखी है, अलंकृत है, ठीक है, व्याकरणिक रूप से कैसी है, उससे मतलब नहीं है। तो मौन पठन हम बात को समझने के लिए, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके गहन अर्थ को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सस्वर पठन, ये तो है, मौन पठन ये भी है, ठीक है, और द्रुत पठन ये भी है। अर्थ पठन जो है वो पठन का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने का दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का, या पठन कौशल का। तो पढ़ने को दैनिक जीवन, तो अगर हम पढ़ने को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहते हैं, तो ये पठन कौशल का हिस्सा है, ठीक है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा? लेखन कौशल से विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट ऑप्शन है लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण का सही उपयोग, और नेक्स्ट है विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, ठीक है। तो लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, तो लेखन कौशल से ये तीनों तो संबंधित हैं। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित होना चाहिए, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, तो लेखन कौशल से संबंधित है, ठीक है, कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी कैसी हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय भाषा के रूप में, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ठीक है, हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो हमारा मकसद क्या है?
ठीक है, तो इसका मकसद जो है ऑप्शन नंबर 4 है, सीधे आ जाते हैं, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता करना। एक आम इंसान क्या चाहता है कि वो हिंदी भाषा को समझे और बोल पाए, इतनी तो ज़रूरत होती है बेसिकली, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य तो सबका यही रहता है, अगर द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं, मतलब अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, आप तमिल परिवार में पैदा हुए हो और तमिल भाषा बोलते हो, तो अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो तो इसका मतलब मुख्यतः क्या है, ठीक है, बोल चाल की भाषा तक हम सीमित रहें, ठीक है। द्वितीय भाषा का मतलब ये होता है कि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में किसी और भाषा को सीख पाए। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, मुख्य मकसद हमारा होता है इंग्लिश में कम्युनिकेट करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, सीटेट जनवरी 2000 पूछे में बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में, ठीक है, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है, केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य, ठीक है, और भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा कि उच्च कक्षाओं में क्या चीज़ सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा कौशल जो है, भाषा कौशल साध्य और साधन है, ठीक है, साहित्य है, ठीक है, भाषा कौशल साध्य है, साध्य और साधन है साहित्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी किसे मानते हैं? तो ये 4 क्रियाकलाप दे रखे हैं, आप पढ़िए किसे हम किसे जो है सपना सबसे प्रभावी मानती है। इसका आंसर जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है 2012 14 16 18 में और 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये पार्ट पसंद आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए और बेहतर कैसे हम अपने वीडियो सेशन को बना सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।